السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه. أما بعد وصف الزاهد. يعني زاهد की सिफ़त का बयान वसफ़ा यौसीफ़ वन वन कल अबन की है न माता दाई यू इबन सम एक बड़े अदीब हैं और बुज़ुर्ग और नेक इंसान हैं जाद हैं ख़ुद भी जब एक बड़े अल्लाह वाले दाऊद ताई जाहिद मरूफ़ का इंतकाल हुआ तो इब्ने सम्माक ने उस मौके पर यह फ़रमाया या अय्यूस इन नहलत दुनिया ताज्जलमूमलबी वमूम नफसी व तबल अबानी माशिदतलिस ए लोगों दुनिया वालों ने ताज्जलू जल्दी मोल लिया है ताज्जला यहाँ मुतद्दी है उसका मफोल आया है ूमूमल कल्ब जल्दी लेना दुनिया वालों ने जल्दी मोल लिया है दिल का गम गम उनकी जमा व वमूमा नफ्स और रूह की बेचैनियाँ वताबल अबदान और बदन की थकावट माशदत हिससाब साथ में आखिरत में हिसाब की सख्ती को भी उन्होंने अपने लिए वाजिब कर लिया है ये चीज़ें तो दुनिया ही में उन्होंने ले ली हैं हासिल कर ली हैं और आखिरत में हिसाब की सख्ती होगी वो अलग ताज्जला يعني ليا ان هذا الانسان تعجل تعجل عوض تضحياته الشخص نے اپنی کا قرباني كبدل جلدي ليليا ان المؤمن يتعجل راحة القلب मायूसर हिसाब इसकी ज़िद आप बना सकते हैं मोमिन दुनिया ही में पा जाता है दिल का इतमान और हिसाब भी आसान रहेगा व मदूल जन्नति भी इदनला और जन्नत भी अल्लाह श मिलेगी नलमुकमिन या ताजलु बेफगल ईमानी ही व यकीन ही नब्ब व राहत नफ्स وعافية الجسم مع المرضات مع مرضاة الرب سبحانه وتعالى فالرغبة متعبة لأهلها في الدنيا والآخرة دنياكي حرص الرغبة متعبة تكاد لأهلها हिरसो हवस के पुजारियों को हिरसो हवस वालों को फिर दुनिया वाल आखिर दुनिया और आखिरत में इसकी जिद आप बना सकते हैं अल-ईमानु ले अहली अलईमान फिर दुनिया व आखिर ईमान मुनशन व मुकमीन ले अहली फिर दुनिया वाल आखिर ईमान ये खुशी अता करने वाला है दुनिया और आखिरत में मतईब अताबात आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन सफ़रा मुतईब और इ सफ़रा सैारबन बस का सफ़र ये मतईब होता है गाड़ी का सफ़र मुतईब होता है व जहादत राहत फिर दुनिया व आखिर और जहद ये राहत का सामान है जाहिदों के लिए फिर दुनिया व आखिर दुनिया और आखिरत में वहीं न दाउदत न गोरा बलबी ही इलामाबई न यदई दाऊद तई ने अपने दिल से देखा उन चीज़ों को जो उनके सामने थी नज़ारा बल्बी ही इला माबी नही नज़ारा का सिला इला आता है अक्सर इसमें गलती कर देते हैं नजर तो का ये सही नहीं रई तो का सही है लेकिन नज़ार तो अली का कहेंगे आप नज़ारा इला दुनिया नज़ारा इला दीन नज़ारा इला अलाफुल उन्होंने अपने सामने की चीज़ों को यानी दुनिया की चीज़ों को अपने दिल की निगाह से देखा फ़ागश बसर और क़लबी बस और आ़ग़शा मन पर्दा डाल देना छुपा देना तो उनके दिल की निगाह ने आँख की निगाह को छुपा दिया ये उन्होंने ये हसन ताबीर इस्तेमाल की है इसलिए कि इबन दाऊदी नाबीना थे मतलब उनके दिल की बसीरत सही थी और बसारत अगरच नहीं थी लेकिन बसीरत सलामत थी बसारत अगर खो गई तो बसीरत तो अभी सलामत है तो इसी तरीक़े से इसको इस्तेमाल किया अगशा बसरक़लबी बशर दिल की बसीरत ने आँख की बसारत को छुपा दिया अकशा का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं إن حب الدنيا يغشي أبصار الناس دنيا كي محبت لوگوں کی نگاہوں پر پردہ دیتی ہے. فَكَأَنَّهُ لَمْ يُبْصِرْ مَا إِلَيْهِ تَنْظُرُونَ وَكَأَنَّكُمْ لَا تُبْصِرُونَ مَا إِلَيْهِ يَنْظُرُونَ अबसरा डायरेक्ट इस्तेमाल होता है बग़ैर इलाके और नज़ारा इलाके के साथ इस्तेमाल होता है आप कहेंगे अबसर तो का तो गोया के ज़ाहिद नहीं उसने देखा जिसको तुम देख रहे हो और गोया के तुम नहीं देख रहे हो जिसको वो देख रहा है वो अपने दिल की निगाह से देख रहा है अल्लाह की नामतें दिन दीन की ताक़त और तुम दुनिया को देखते हो फ तुम मिन हो ताजबूना वह अमिन कुम ये तो तुम उनसे ताज्जुब करते हो और वो तुमसे ताज्जुब करता है ताज्जब अमिन हो ताजब करना ताजो मिन का का, तो वक्त का मैं आपसे ताज्जुब करता हूं आपकी बात पर आपकी हालत पर فلما نظر إليكم راغبين مغرورين قد ذهبت على الدنيا عقولكم وماتت من حبها قلوبكم استوحش الزاهد منكم فلما نظر إليكم جب الزاهد نے داود داوود الطائي تمه تمه دیکھا نظر إليكم راغبين مغرورين कद जहबत अलद दुनिया उ क़ुल कम जब दाऊदी ने तुम्हें देखा रा़ीबीना इस हाल में क्योंकि तुम दुनिया के हरीस हो ऱीबीन फ़ि दुनिया मगरूरीना और धोखा खाए हुए हो राबीना मग़रना हाल बन रहा है क़द जहबत अलद दुनिया़ुलम और दुनिया के पीछे तुम्हारी अक्ल खराब हो गई है जहावत यानी ज़ के मायने में चली गई है दुनिया के पीछे तुम्हारी अक्ल बर्बाद हो गई है वमाय तत्मिन खुबिहा माँ मिन खुबिहा कुल बुकुम और दुनिया की मोहब्बत से तुम्हारे दिल मुर्दा हो गए हैं आशिकत हा अफुसकुम और तुम्हारे नफ्स दुनिया के आशिक हो गए हैं मतद्दत अलाहा अब शारुकम और तुम्हारी निगाहें तुम्हारी नज़रें दुनिया की तरफ लग गई हैं इस तो शज्जा कुम फलमा का जवाब है जब दाऊद ने तुम्हें इस हाल में देखा इस तो कुम तो वो जाहिद तुमसे वहशत महसूस करने लगा लेकान हन वस्तमऊता इसलिए कि वो जिंदा थे मर्दों के बीच में इसमें जो अल्फाज़ हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं عشقه محبت کرنا ان الدنيا ان اهل الدنيا يعشقون المظاهر دنيا والے مظاهر سے اور صورتوں سے محبت کرتے ہیں ان الناس يعشقون المظاهر والصور وان ابصارهم ممتده الى اسباب الدنيا ان کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں دنیا کے اسباب کی قلوبنا ماتت من حب الدنيا أحياها الله ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں دنیا کی محبت سے استوحش منه وحشت محسوس کرنا يا داوود ما أعجب يا داود ما أعجب شأنك أي داود ما أعجب شأنك تماري كتنى عجيب حالت هي. ما أعجبه فعل تعجب هي. ما أعجب شأنك أي ما أعجب أمرك तुम्हारा मामला कितना अजीब है आप भी कह सकते हैं मा आजबा शन का तुम्हारा मामला कितना अजीब है और मा आज़बा की जगह मा अहसना भी कह सकते हैं मा अहसना किताब का तुम्हारी किताब कितनी अच्छी है और इसके बाद मंसूब होता है अक्सर ये गलती होती है कि हम मरफू पढ़ देते हैं मा आज़बा शु का मा इसका ज़ाहरी तर्जुम होगा कौन सी चीज़ है या कितनी बड़ी चीज़ है जिसने तुम्हारे मामले को अजीब बनाया तो ये मफूल होता है तरकीब में पहले ताज्जुब के बाद जो आता है वो मफूल इस्तेमाल होता है माँ अहसना खलूक़ा का तुम्हारे अख्लाक कितने अच्छे हैं माँ अक्बा सीरत का तुम्हारी सीरत कितनी अच्छी है माँ अफ्दला मा अवलाता का तुम्हारी कराअत कितनी अफजल है मा अब मा अब कलाम का तुम्हारा कलाम कितना वाज है कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दाऊद तुम्हारी शान और तुम्हारा मामला कितना अजीब है अलमता नफ्स कसमता हताम तहादली तुमने अपने ऊपर लाजिम किया खामोशी को ये समझना चाहिए कि लज़िमा एक मफूल चाहता है जैसे लजिमस समता उन्होंने खामोशी को लाजिम पकड़ लिया और अलज़मा बाबे इफ़ाल में गया तो पहले जो एक मफूल से मुत था अब वो दो मफूल से मुतदी हो जाएगा अलम हु असमता उनको लाज़िम पकड़ने का हुक्म दिया खामोशी को उनके ऊपर लाजिम कर दिया खामोशी को तो अगर आपको कहना है उस्ताज ने तलबा को ख़ामोशी का हुक्म दिया खामोशी को ज़रूरी करार दिया तो आप कहेंगे उस्ताज़ा उसताजा अलमत समता या उस्ताजा अलमत अल किताबता लिखने का हुक्म दिया हत्ता हता कवहादली यहाँ तक के तुमने अपने नफ्स को सीधा कर दिया अलला आदली राह अतदाल पर राह अदल इंसाफ पर व तहा तुरीदु तुरीदहा واذللتها وانما تريد اعزازها ووضعتها وانما تريد تشريفها واتعبتها وانما تريد راحتها واجعتها وانما تريد شبعها واظماتها وانما تريد ريها وخشنت الملبس وانما تريد لينه وجشبت المطعم وانما تريد طيبه वह अमत तनफ्स का कबल अंत तमता वरता अन तकबर बड़े फसीह हैं ये इबन समत कितने अल्फा इस्तेमाल किए हैं लगातार अहन तहा तुमने अपने आप की तोह की और इन नमा तुरीद वाम हालाँकि तुम्हारा मकसूद है अपने आप को इज़्ज़त देना आहाना की जिद अक्रमा और तोन की जिद करामत अब आप कह सकते हैं नन्ना सा यूहिन युहनू ना अहलद्दनिया और युक्रीमू ना अहलुद्दीन वो अजलता और तुमने अपने आप को जलील किया हालांकि तुम चाहते थे एजाजहा कि अपने आप को इज़्ज़त बख्शो मतलब क्या है कि अपने आप को जलील किया मतलब दुनिया वालों की नज़र में माल को कम इख्तियार करके मोटा झोटा पहन कर और रूखा सूखा खा कर दुनिया वालों की नज़र में तुमने अपने आप को कम हैसियत किया हालाँकि मकसूद है कि अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त मिले आख़िरत में इज़्ज़त मिले व वदाता व इनम तुरीद तशरीफ़ा और तुमने अपने आप को छोटा किया हालांकि उसको बड़ा बनाना चाहते थे वदाआ की जिद शर्रफ़ा वदा मतलब कमतर करना शर्रफ़ा मैंने आला करना तुम तो अपने आप को बुलंद करना चाहते थे लेकिन अपने आप को छोटा बनाया इसलिए कि जो छोटा बनता है अल्लाह ताला उसको बुलंद करता है तोज़ो इसी से बनी है न दीना और वहीं नहबत दुनिया य इंसान दुनिया की महब्बत इंसान को जलील कर देती है दीन इंसान को इज़्ज़त बख्शता है वह अतः और तुमने अपने आप को थकाया व इन न मतरीद उराहता हालाँकि तुम अपनी राहत चाहते थे वह अजाता इससे आप जिद का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं कहीं भी खफजता वही नमा तुरी दो रफ आसहरता वही नमा तुरी दो नजाता तुमने अपने आप को भूखा रखा वही नमा तुरी दुशाह शब आशबा शिबाह शिबा मजदर सही मालूम होना चाहिए क्या बाब है मजदर क्या आता है वा अजाता अजा आता है वह तुमने अपने आप को भूखा रखा हालांकि तुम उसको आसूदा करना चाहते थे शब्या मतलब पेट भरकर खाना दुनिया में भूखा रखा हालांकि चाहते थे कि आखिरत में खूब मिले या रू आसुदा हो व आजमाता है और तुमने अपने आप को प्यासा किया आजमा प्यासा रखना जमया प्यासा होना जा भूखा होना अजा भूखा रखना रखनाबयुजी बत न हो लियुश ब्या हो वह आजमाता और तुमने अपने आप को प्यासा रखा हालांकि तुम उसको सैराब करना चाहते थे वह ख़शन मलबसा बसा और तुमने लिबास मोटा इख्तियार किया खशना मैंने मोटा बनाना खशुन अलमल बस लिबास मोटा हुआ और ख़शन अलमल बस लिबास मोटा किया तुमने अपना लिबास मोटा इख्तियार किया नम तुरी दुली न हो हालांकि तुम लिबास की नरमी चाहते थे लइ नहू भी पढ़ सकते हैं कि नरम लिबास चाहते थे और जश तलमत आमा वनमा तुरीद वी बहु या तय बहु भी पढ़ सकते हैं मज़दर भी पढ़ सकते हैं खाने की आमदगी चाहते थे या खाने में से सेमदा खाना दोनों पढ़ सकते हैं हजरत अली के सबक में भी है कि यु अजीब होमिनबासमां ख़ुना और मिन तमाम जशोबा जशोबा खाने के लिए खाने का बदमज़ा होना या रूखा सूखा होना और जशबा रूखा सूखा खाना इख्तियार करना और तुमने अपने खाने को रूखा सूखा और बदमज़ा बनाया हालांकि तुम उसकी आमदगी और उसकी लज्जत चाहते थे कि आखिरत में मिले वह अमत तफसका कबलामूद और तुमने दुनिया ही में अपने आप को मार लिया मौत से पहले ही वह कबर तहाबलाकबर और तुमने अपने आप को ब्र में दाखिल कर दिया हकीकत में कब्र में जाने से पहले ही वज़बतहा कबलान तोब और तुमने अपने आप को अजाब दिया और अपने आप को सताया कबल इसके कि उसको अजाब दिया जाए व गैय तहानी नाज कैला तुज करा और तुमने अपने आप को गायब कर दिया लोगों से ताकि तुम्हारा ज़िक्र ना किया जाए व गिब तिनफ्सिकानी दुनिया अलआिर और तुम दुनिया से बच निकले अपने नफ्स के साथ गायब हो गए दुनिया से आखिरत की तरफ फमा अज़ुल्नुका फ़िरता बीमा तलब था मैं नहीं समझता हूँ मगर यही कि तुम पा गए उस चीज़ को जिसको तुमने तलब किया था माँ मौसूला है इन्ू फ़रा बीमा तलबा आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ़रा भी ही पा लेना

तुम्हारा इम्तियाज़ तुम्हारी सूरत और जाहिर में नहीं था फ़ुह तफ़ी दीनी का सरक्न्ना सयतून तुम दीन में फ़कीह बने और लोगों को फतवा देने के लिए छोड़ दिया और समय अहदी था सौरक्न्ना सयोहदून अवय अरवन और तुमने हदीसें सुनी और याद की, फिर लोगों को छोड़ दिया कि वो हदीसें बयान करते रहें जहद की वजह से तुमने अपनी शोहरत को तलब नहीं किया बस अल्लाह से ताल्लुक की तरफ तवज्जो दी वो ख़रिस्तान अनिल कौल खरेसा मने गूंगा होना और तुम बात करने से गूंगे बन गए मतलब ख़ामोश रहे इन्फुलन ख़रे सा अखरस गूँगा और तरक्त से यंतिकून और तुमने लोगों को छोड़ दिया कि वो बोलते रहें

तो उर्दू में से आ रहा है तो ये नहीं कि लाआ सूद मिन आहदिन बल्कि अरबी का लफ्ज़ देखेंगे ये मुतादी है कहेंगे ला अहसुदु आहेदन मैं किसी से हसद नहीं करता हूँ वला मिन السلطان आतीयता और तुम सुल्तान का अतिया कबूल नहीं करते थे वला मिनलान हदयता और दोस्तों का हदिया कबूल नहीं करते थे खवान हदयता दोस्तों का हदिया कबूल नहीं करते थे आनसु मत इजाकुन तब्ला खालन आनसु ये इसमें तफ़ील अनीस का अनिस अनसुमा दिल लगना और इस तवाशा दिल का नफ़रत करना आनसुमा तक तुम्हें सबसे ज़्यादा उनस मिलता था इजाकुन तबिल्ला खालीन जब तुम तन्हा होते थे अल्लाह ताला के साथ तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता जब सिर्फ़ तुम और अल्लाह दोनों का तखलिया हो और खलवत में तुम अल्लाह से राजो नियाज करो उस वक्त तुम सबसे ज़्यादा उनस और ख़ुशी महसूस करते थे वह अवह तकून और तुम सबसे ज़्यादा बेगानगी और वहशत और डर महसूस करते थे इज़ाकुन तमान ना सी जाली जब तुम लोगों के साथ बैठे हुए हो अब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के जुमले को अفرحوا ما تكونوا افرحوا ما يكون الناس اذا كانوا اغنياء موسرينا लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब मालदार हों वَأَحْزَنُوا مَا يَكُونُ النَّاسِ اِذَا كَانُوا فُقَرَاء और लोग सबसे ज़्यादा गम ज्यादा होते हैं जब वो फ़कीर हों कभी लफ्ज का इस्तेमाल करना मकसूद होता है कभी उस जुमले की बंदिश का तो यहाँ बंदिश और जुमले की तरकीब का इस्तेमाल करेंगे इसकी मश्क करेंगे आनसुमा तक इजाकुन तब लाल आप कहेंगे अफर मकुन इजाकुंत मताल किताब सबसे ज़्यादा मैं खुश होता हूँ जब मैं کتاب اذا كنت خاليا بالكتب فاوحش ما تكون انس ما يكون الناس فاوحش ما تكون تو تم جس حالت میں سب سے وحشت کرتے ہو آنس ما يكون الناس اس حالت میں لوگ سب انس والے وآنس ما تكون اوحش ما يكون الناس اور تم سب जिस हालत में सबसे ज़्यादा ऊन महसूस करते हो उस हालत में लोग सबसे ज़्यादा वहशत महसूस करते हैं जावज़त हद्दल मुसाफरी नफी असफारहम तुम पार कर गए मुसाफ़िरीन की हद को भी जो सफ़र में होती है और जावज़ तहदल मसजूनी नफ़ी सुजून हिम और तुम कैदियों की हद भी पार कर गए नहु जावज़ा कुलहद्दीन हर हद पार कर दी الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين